Dear students, today we are going to study 7th chapter. The title is Chandni. This is from An Alien Hand, the supplementary reader of class 7. और इस चैप्टर का जो टाइटल चांदनी रखा है उसके पीछे जो क्या लॉजिक है. चांदनी एक बकरी का नाम है, एक पालतू बकरी है. इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर है अब्बू खान नाम से, और वो जो है एक बकरियां पालने का उनको शौक़ है, और उन्होंने एक बकरी पाली, उसका नाम उन्होंने चांदनी रखा. और चांदनी के साथ में उनकी किस तरह से रिलेशनशिप थी, है ना, किस तरह का बिहेवियर था, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी उस एनिमल के बीच में और उनके बीच में, वो सारी चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है. तो यही जानने के लिए हम जो है इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, इस चैप्टर की पढ़ेंगे. देखते हैं आगे. इससे पहले सबसे पहले इसमें कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं. अब्बू खान कैप गॉड्स एज पैट्स. सबसे पहले बताया कि हाँ, अब्बू खान की एक यूजुअल हैबिट थी कि वो पैट्स के रूप में गॉड्स को रखते थे. बकरियाँ पालने का शौक था उनको. ही वॉज फॉन्ड ऑफ गॉड्स, ठीक है. ही लव्ड हिज गॉड्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाई वन. दूसरी बात यहाँ पे कि ही लाइक गॉड्स, गॉड्स उनको पसंद थी, उनको वो लव भी करते थे, लेकिन एक एक करके सारी बकरियाँ उनको उनका साथ छोड़ जाती हैं. ही बॉट ए यंग प्रेटी गॉड एंड कॉल्ड हर चांदनी. फिर बाद में फाइनली क्या करते हैं, वो एक यंग गॉड खरीदते हैं. वो बहुत प्रेटी होती है, सुंदर होती है वो, और उसका नाम वो चांदनी रख देते हैं अब्बू खान. तो देखिए आगे एक की पॉइंट्स यहाँ पे थे, अब इसको हम आगे और डिस्क्राइबली जो है हम इसको पढ़ेंगे. देखते हैं. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, ठीक है. तो यहाँ पे पता है कि एक बार की बात है, अल्मोड़ा के अंदर एक ओल्ड मैन रहते थे, एक ओल्ड पर्सन रहते थे. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान, और उनका जो पॉपुलर नेम था वो क्या था, अब्बू खान, यानी लोग उनको अब्बू खान के नाम से पहचान देते हैं. ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू गॉड्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स. यानी अब्बू खान की फैमिली कितनी बड़ी थी, उनकी फैमिली में वो थे और इसके अलावा गॉड्स थी जो कि पेट्स थे उनके, इसके अलावा और कोई नहीं था, है ना. तो एक्सेप्ट ए फ्यू गॉड्स, यानी फ्यू गॉड्स कुछ बकरियों के अलावा, और उनके अलावा उनके घर में कोई नहीं था, यानी वो अकेले रहते थे, बकरियों के साथ रहते थे. ही गैव हिज गॉड्स फनी नेम्स सच एज कलवा, मूंगिया और गुजरी. और उन्होंने वो, क्योंकि बकरियों को बहुत ज़्यादा लव करते थे और उनको प्यार से, उन्होंने कुछ नाम दिए थे जैसे कलवा, मूंगिया और गुजरी. ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे, और वो उनको ले जाते थे ग्रेजिंग के लिए दिन के दौरान, ड्यूरिंग द डे उनको ग्रेजिंग के लिए उनको ले जाते थे. एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ऑन चिल्ड्रन, और उनको उनसे कैसे बात करते थे, जैसे कि कोई अपने बच्चों से बात करता है. एट नाइट, तो ये तो उनकी दिन की एक्टिविटी थी. एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गॉड. और रात के अंदर शाम को वापस वो घर पे ले आते थे अपनी हट के अंदर, और उनकी गर्दन पे स्ट्रिंग लगा देते. स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे रस्सी से, यहाँ पर है स्ट्रिंग हम धागा भी कह सकते हैं. तो उनकी बकरी की गर्दन के वो रस्सी लगा देते थे ताकि वो घर से बाहर निकल के कहीं जाए नहीं. तो इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा. आगे देखते हैं. पुअर अब्बू खान वॉज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स. अगर हम गॉड्स के मामले में बात करें तो हम कह सकते हैं अब्बू खान वॉज अनलकी. अब्बू खान जो है खुशकिस्मत इंसान नहीं थे बल्कि बदकिस्मत इंसान थे बकरियों की अगर बात करें. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गॉड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रॉक लूज एंड देन वुड डिसअपीयर इन द हिल्स बियॉन्ड. क्या कहते हैं, अक्सर क्या होता था कि जो उनकी जो बकरियां थी वो बार बार जो है अपनी रस्सी को खींचती थी, और इतना खींचती थी कि जब तक वो लूज नहीं हो जाए उस खूंटे से, और वो वहाँ से गायब हो जाती थी और पहाड़ियों में चली जाती थी. गॉड्स इन हिली रीजन्स हैड बीइंग टाइड टू ट्रीज और पॉल्स. रीजन क्या है एक्चुअली, कि जो गॉड्स होती हैं हिली रीजन्स के अंदर रहने वाली, जो गॉड्स होती हैं हिली रीजन्स की, जो गॉड्स होती हैं उनको नफरत होती है, वो बांध के रखना उनको बहुत बुरा लगता है. अगर उनको पेड़ से या पोल से बांध के रखा जाए तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं होती. दे लव देयर फ्रीडम, और उनको आज़ादी पसंद होती है. अब्बू खान्स गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रिड, और उनकी बकरियाँ जो थी वो इसी किस्म की थी, हिल ब्रिड थी उनकी, है ना. उनकी जो किस्म थी हिली रीजन्स में जो बकरियाँ होती हिल ब्रिड की बकरियाँ थी उनकी वो, और उनको फ्रीडम पसंद थी, बंधा रहना उनको पसंद नहीं था, इसी वजह से वो चली जाती थी. दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, है ना, उनको अपनी आज़ादी पसंद थी. सो वॉट एवर दे गॉट द चांस, वेन एवर दे गॉट अ चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. ओल्ड वॉल्फ,
तो जब कभी उनको मौका मिलता था, वेन एवर दे गॉट द चांस, जब उनको कभी मौका मिलता था वो घर से भाग जाती थी, और जाने के बाद में क्या होता था, उसका रिजल्ट क्या निकलता था, वहाँ पे एक भेड़िया रहता था, वॉल्व रहता था, ओल्ड वॉल्व रहता था, वो उनको मार देता था। ठीक है, उनको यही मिलता था, मौत उनको मिलती थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। आगे देखते हैं, वेन एवर वन ऑफ हिज गॉड्स डिसअपियर्ड, एक बार क्या होता है उनकी बकरी डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। अबू खान वॉज वेरी सैड, है ना, बहुत दुख होता है उनको। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसीस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम एंड ऑल द लव दैट ही सोड ऑन देम वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इन टू द जूस ऑफ डेथ। समझ में नहीं आ रहा था उनको कि वो इतना जूसिस्ट है ना, रसीला घास उनको खिलाते हैं, अच्छा खाना उनको खिलाते हैं, अनाज उनको खिलाते हैं, ग्रेन उनको खिलाते हैं, वो इतना लव शॉवर्ड ऑन देम, इतना लव जो उनसे करते हैं, इतना प्यार उन पे उड़ेलते हैं वो। अब बुखार फिर भी उनकी बकरी क्यों भाग जाती है, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इन टू द जोज ऑफ डेथ। फिर भी ये बकरियाँ, ये बदकिस्मत बकरियाँ जो हैं, नहीं मानती थी और सीधे जोज ऑफ डेथ है ना, मौत के मुँह में चली जाती थी। समझ रहे हो आप, मौत के मुँह में कैसे चली जाती थी, वहाँ से छूट करके वो भाग जाती थी और वहाँ जंगल, वहाँ पे पहाड़ में, हिल में जो वहाँ पे भेड़िया रहता था उनको खा जाता था। अब्बू खान वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसी चीज़ आखिर क्यों होती हैं, आखिर ये क्यों चली जाती है बकरियाँ, मैं इनको अच्छा खाना खिलाता हूँ, बहुत प्यार से रखता हूँ। आर दीज गॉड्स मैड, ही वंडर्ड, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल हार्डशिप इवन डेथ। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खान अब अपना माइंड लगा रहे थे कि आखिर ये बकरियाँ क्यों जाती हैं, है ना, क्या उनको फ्रीडम पसंद है ना, या फिर वो पागल हो गई हैं। ठीक है, अगर उनको फ्रीडम पसंद है चलो ठीक है, लेकिन फ्रीडम का मतलब क्या है, स्ट्रगल, उनको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्डशिप, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इवन डेथ, यहाँ तक कि डेथ ही उनकी हो जाती है, और उनको कौन खा जाता है, भेड़िया खा जाता है। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, वो कह रहा है तो फिर ऐसी फ्रीडम किस काम की, है ना, उनको तो मौत के मुँह में जाना पड़ता है। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, वो मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वो बकरियाँ भाग क्यों जाती हैं, उनका रीज़न क्या है, क्योंकि भागने के बाद उनको पता उनका नतीजा क्या निकलता है, मौत मिलती है उनको। वन डे वैन ऑल इज गॉड्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन क्या होता है जो सारी बकरियाँ एक एक करके उनके पास से चली गई, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं वो, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब मैं अपने घर में कोई और दूसरी बकरी नहीं रखूँगा, आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गॉड्स। ठीक है, ये हो सकता है मैं थोड़े दिन और जीऊँगा, कुछ ईयर्स में और जी जाऊँगा, लेकिन मैं अब बिना बकरियों के ही रहूँगा, उन्होंने डिसाइड किया। However, the poor old man was terribly lonely. लेकिन बेचारा उसने सोच तो लिया अबू खान ने, लेकिन बहुत lonely फील करने लगे, वो अकेलापन महसूस करने लगे। He simply could not do without his pets, है ना, वो बिना pets के, बिना पालतू के अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो जी नहीं सकते थे। Very soon he bought a young goat. उन्होंने बहुत जल्दी एक यंग गॉड खरीद ली। ही थॉट ए यंग गॉड विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, नहीं, यंग गॉड खरीदने का उनके पीछे कारण क्या था, रीज़न क्या था, उन्होंने सोचा कि जो यंग गॉड है दैट विल बी फॉर लॉन्गर टाइम विद हर विद हिम, कि उनके साथ में जो यंग गॉड है वो ज़्यादा दिनों तक रहेगी, क्योंकि वो यंग है और ज़्यादा दिनों तक जिएगी और ज़्यादा दिनों तक शायद उनके पास में वो रहेगी। इसी पर्पज से उन्होंने यंग गॉड उन्होंने खरीदी। सी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, और वो खुद अपने मन में इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मैं उसको जब अच्छा खाना खिलाऊँगा तो वो बहुत जल्दी मेरे से प्यार करने लगेगी, मेरे को लव करने लगेगी। सी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और वो कभी भी हिल्स में जाना पसंद नहीं करेगी। एंड ही लव्ड विद जॉय, और हंसने लगते हैं, खुश होते हैं, जॉय है ना, उनको अच्छा लगता है इस तरह की बातें सोच करके, इस तरह की इमेजिनेशन करके, है ना, इस तरह का इमेजिन करके कि मैं इस तरह से यंग गॉड खरीदूंगा, मेरे साथ ज़्यादा दिनों तक रहेगी, वो मेरे को बहुत जल्दी लव करने लग जाएगी क्योंकि मैं उसको अच्छा खाना खिलाऊंगा और वो फिर पहाड़ियों में भी नहीं जाएगी। द न्यू गॉड वॉज वेरी प्रेटी, उन्होंने नई बकरी खरीद ली, वो सुंदर थी, प्रेटी थी, ब्यूटीफुल थी। सी वॉज वाइट एज स्नो, कैसी थी वो, उसकी अपीयरेंस बताई गई है कि बिल्कुल स्नो की तरह वाइट थी, बर्फ की तरह। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके छोटे से सर पे दो सुंदर जो है सींग भी लगे हुए थे, हॉर्न्स भी लगे हुए थे। एंड ए पेयर ऑफ
एंड ए पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसकी आंखें जो थी वो ग्लीमिंग थी, चमकती हुई आंखें थी, रेड आइज है ना, ग्लीमिंग चमकती हुई आंखें थी उसकी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, और उसका जो मिजाज था, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब होता है मिजाज, उसका मिजाज जो था वो भी फ्रेंडली था, यानी फ्रेंडली नेचर की जो है वो बकरी थी। एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अबू खान जो उसको टेल्स सुनाते थे, जो स्टोरी सुनाते थे, जो कहानियाँ सुनाते थे, उनको बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती थी, अफेक्शन के साथ सुनती थी, बड़े प्यार के साथ और इंटरेस्ट के साथ उन कहानियों को वो सुना करती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान जो है उसको क्या बोलते थे, चांदनी बोलते थे, चांदनी नाम उसको लेकर पुकारते थे। विच मीन्स मून लाइट, चांदनी का मतलब होता है मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, वो चांदनी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एंड वुड नरेट टू हर, उसको सुनाया करते थे, नरेट मतलब टेल, बताया करते थे, सुनाया करते थे स्टोरीज, कहानियाँ, कौन सी कहानियाँ, ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, हु वर डेड, जो मर चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे, उन सब की कहानियाँ वो चांदनी को सुनाया करते थे अबू खान। सेवरल ईयर्स पास्ट, कई साल जो है गुजर जाते हैं, चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी अबू खान के साथ रह रही है। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन। अबू खान के साथ वो बहुत दिनों से चांदनी रह रही है, उन्हें लगा, अबू खान ने ये बिलीव किया कि चांदनी जो है वो उन अब उनको छोड़ करके कभी भी नहीं जाएगी, नेवर, कभी उनको छोड़ के नहीं जाएगी, उनके घर को छोड़ के नहीं जाएगी, उनके कंपाउंड को छोड़ के नहीं जाएगी, उनकी जो झोंपड़ी उनको छोड़ के नहीं जाएगी, किसके लिए, फ्रेश एयर के लिए, हिल्स में वो नहीं जाएगी, वो ऐसा सोच रहे थे। अलास, अलास का यूज़ करते हैं हम अपना दुख एक्सप्रेस करने के लिए, सोरो, सैडनेस एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड यूज़ किया था, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है अलास, अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि अबू खान फिर गलती कर बैठे, मिस्टेकन, उनसे फिर गलती हो गई, यार उनकी जो सोच थी वो गलत थी, ऐसा नहीं हुआ रियलिटी में, यानी अबू खान की जो बकरी थी चांदनी वो भी चली गई। अब यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आपको, क्वेश्चन आंसर्स जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, उसमें भी कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक अदर गॉड्स, दूसरी बकरियों की तरह चांदनी टू मिस द हिल्स, चांदनी को भी जो है हिल्स बड़ी पसंद थी। सी टोल्ड अबू खान सी मस्ट हैव हर फ्रीडम, और उसने अबू खान को बताया कि वो उसको भी आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए उसको। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वॉल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, अबू खान ने हालांकि उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे पहले की जो बकरियाँ थी वो भी गई, लेकिन वहाँ पर एक डेंजरस वॉल्फ रहता है, उन सारी बकरियों को उसने मार दिया, लेकिन चांदनी इन सब बातों से भी डिस्करेज नहीं हुई, यानी वो तो बिल्कुल जाने के लिए डिटरमाइंड थी, वो हिल्स पे जाना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉज द हिल टॉप्स वॉटेड इन द सनलाइट, हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर सी थॉट, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, सी रेन टुवर्ड द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, द रॉप अराउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, हाउ सी हेटेड दैट रॉप। देखिए तब वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड थी, किसकी फॉन्ड थी, फ्रीडम की, वो फ्रीडम चाहती थी, वो है ना फ्रीडम हासिल करना चाहती थी चांदनी। तो देखिए उसकी उस इंसिडेंट को बताया गया कैसे वो घर से चली जाती है। तो एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ जो है वो हिल टॉप्स की तरफ दिखा करती थी, और हिल टॉप्स भी क्या है, सनलाइट पड़ती थी तो सुबह ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों ने जो है वॉक कर लिया, स्नान कर लिया, नहा लिए हैं वो सूरज की रोशनी के अंदर, तो चमकती थी वो पहाड़ियाँ सुबह सुबह, वहाँ से उसको घर से देखती थी तो उसको बड़ा अट्रैक्शन होता था, उसको बड़ा अट्रैक्टिव लगती थी वो सारी चीज़ें, और वो बोलती थी अपने मन में हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कितनी खूबसूरत जो है पहाड़ियाँ हैं वो सब, सी थॉट, वो सोचा करती थी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, कितनी सुंदर, कितनी रिफ्रेशिंग ब्रीज जो है, एयर जो है चल रही है,
एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, कितना अच्छा लगेगा उन फील्ड्स के अंदर घूमना. सी रेन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप रिजर्व, है ना, वो दौड़ने लगी पहाड़ी की तरफ लेकिन एकदम उसको झटके ने उसको रोक दिया, झटका लगा उसको एकदम, जर्क लगा, जर्क माने झटका. क्यों? द रॉप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, क्योंकि उसका तो गला रस्सी से बंधा हुआ था, वो रस्सी उसको आगे जाने नहीं देना चाह रही थी. हाउ शी हेटेड दैट रॉप, बड़ी नफरत हो गई उसको उस रस्सी से, क्योंकि उसने उसको उसकी सारी जो इमेजिनेशन थी उसको खत्म कर दिया, उसकी सारी जो कल्पनाएं थी उनको खत्म कर दिया है, उसका जो इंटरेस्ट उसका जो इंजॉय था उसको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया उस रस्सी ने. उस आगे देखिए, सी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, है ना, स्टॉप, उसने खाना बंद कर दिया, जो ग्रीन ग्रास जो हरा घास अबू खान उसके लिए लेके आते थे उसको खाना बंद कर दिया. नो डिड सी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वो पहले की तरह वो कहानियों को स्टोरीज को उस इंटरेस्ट और उस अफेक्शन के साथ भी नहीं सुनती थी अब्बू खान की कहानी को जो पहले सुना करती थी. सी लॉस्ट हर एपेटाइट, एपेटाइट मतलब हंगर, उसने उसकी भूख ही खत्म हो गई, उसकी भूख ही चली गई. ग्रे वेरी थिन, बहुत पतली दुबली हो गई. एंड स्टेयर्ड मूडली एट हिज द हिल टॉप्स वॉटेड इन सनलाइट, और जैसे कोई मूडी इंसान होता ना एकदम खोया हुआ ख्याल होगा ऐसे जो है कोई रहती थी और पहाड़ियों की तरफ देखती रहती थी. अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अबू खान की समझ में नहीं आ रहा था उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, एंग्विश, उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी. एट लास्ट ही डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, फाइनली जो है उसने अबू खान से फ्रेंकली कहने का मन बना लिया. किसने? चांदनी ने. क्या कहा उसने? डियर अबू खान, सी सैड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज. क्या कहा उसने? अबू खान प्लीज़ मुझे हिल्स में जाने दो. इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई, अगर मैं यहीं पे रुकी रहूँगी तुम्हारे इस कंपाउंड के अंदर, तुम्हारे इस घर के अंदर, तो मैं मर जाऊँगी. नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अबू खान की क्लियरली समझ में आ गई चांदनी की क्या प्रॉब्लम है. बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन अबू खान बहुत ज़्यादा दुखी हो गए उसकी बात जान करके. द अर्थन पॉट विच कंटेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इन टू 1000 pieces. अबू खान के हाथ में एक प्याला था, एक बर्तन था, कंटेनर था, जिसमें उन्होंने अबू खान ने उसके ब्रेकफास्ट के लिए कुछ रख रखा था, नाश्ता था उसमें. तो जैसे अबू खान ने वो बात सुनी तो उनके हाथ से जो है वो कंटेनर था वो नीचे गिर जाता और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. अब आप समझ सकते हैं कि कितना अफेक्शन, कितना लव जो है अबू खान को इस बकरी से था, कि जैसे उन्होंने सुना उसके जाने की बात तो उनके हाथ में से प्याला छूट जाता है, टुकड़े टुकड़े उसको हो जाते हैं. व्हाई डू यू वांट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क, अबू खान ने पूछा, भाई चांदनी मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? आई वांट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, चांदनी जवाब दिया, मुझे हिल्स में जाना है. डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रॉप, है ना. अबू खान ने कहा, अरे भाई डोंट यू लाइक द फूड हियर, तुम्हें क्या यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा? चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें और ज़्यादा टेस्टी खाना दूंगा, और तुम्हारी जो रस्सी है वो भी मैं बहुत ज़्यादा लंबी कर दूंगा, ताकि तुम यहीं से ही वहाँ पर घूम लो, दूर तक घूम लो, मतलब रस्सी के सहारे से. नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स. लेकिन चांदनी ने तो मन बना लिया था हिल्स में जाने का, उसने कहा नहीं, मुझे तो हिल्स में ही जाना है. डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, अबू खान ने उसको समझाने की कोशिश की, तुमने कभी महसूस की रिस्क जो आपको हो सकती है वहाँ पर जाने से, वहाँ पहाड़ियों में जाने से? यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, बड़ी ज़िद्दी हो तुम, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, इंसिस्टिंग, है ना, बहुत ज़िद्दी हो. देर इज़ ए डेंजरस बॉल इन द हिल्स, तुम्हें पता है वहाँ पे एक डेंजरस बॉल रहता है हिल्स के अंदर. ये कौन समझा रहा है? अबू खान समझा रहे हैं चांदनी को. ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा. अबू खान डिड इज बेस्ट टू वॉर्न हर, अबू खान ने अपनी पूरी कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई. चांदनी आंसर, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज़ गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वॉल्फ. भगवान ने जो है मुझे क्या दिए हैं, गॉड ने मुझे क्या दिए हैं, हॉर्न्स दिए हैं, सींग दिए हैं, है ना, और मैं वॉल्फ से क्या करूँगी, फाइट करूँगी, लड़ूंगी, वो मुझे ऐसे ही नहीं मार देगा. आगे देखते हैं, फाइट द वॉल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ, हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर, शी फॉट द वॉल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग. अबू खान नरेटेड कलुआज स्टोरी फॉर द 50th time, 50वीं बार, कितनी बार, 50वीं बार उसने जो है अबू खान ने उसको ये कहानी सुनाई आज, किसकी, कलुआ की. क्या कहा उन्होंने? अच्छा वॉल्फ से लड़ोगी वास्तव में, है ना, क्या तुम भूल गई अपनी सिस्टर की कहानी, कलुआ की कहानी, जो कि साइज में कितनी बड़ी थी, एक बड़े डियर की बराबर, एक हिरण के बराबर उसका साइज था. वो जो है पूरी रात उससे लड़ी वॉल्फ से, लेकिन
सुबह तक उसको मरना पड़ा, यानी उसने उसको मार दिया आखिरकार। वो लड़ी उससे लेकिन उसको मार दिया गया है ना। अबू खान ने जो है कलुआ की स्टोरी को जो है नरेट करके सुनाया, और उन्होंने ये उस 50वां मौका था आज, कौन सा मौका था, 50वां मौका था जो उसको ये कहानी सुनाई गई कलुआ की। अबू खान इस तरह की कहानी अक्सर सुनाते रहते हैं ताकि बकरियाँ उनको छोड़ करके नहीं जाएँ, तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया इस बार भी। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इन सारी बातों का जवाब चांदनी के पास एक ही था, वो क्या था, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मुझे तो हिल्स में जाना है। अबू खान गॉट वेरी एनॉयड, एनॉयड मतलब एंग्री। अबू खान जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, कि थंडर्ड है ना, चिल्लाए वो उस पर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं नहीं जाओगे तुम, फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, आज से तुम इस छोटी झोंपड़ी के अंदर रहोगी, एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और यहाँ पे तुम फ्रीली घूम भी नहीं पाओगे इस कंपाउंड के अंदर, इस चार दीवारी के अंदर, तुम्हें बस सिर्फ इस हट में ही रहना है। अनग्रेटफुल एज यू आर, कितनी अनग्रेटफुल हो तुम है ना, एहसान फरामोश हो, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वॉल्व, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस वॉल्व से मुझे बचाना है, मुझे बचाना होगा तुम्हें उस भेड़िए से। ही पुश्ड हर इन टू ए स्मॉल हट, उसने उसको धकेल दिया उस हट के अंदर, एंड शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दिया गुस्से में। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन अबू खान भूल गए उस झोंपड़ी के अंदर बैक साइड में एक छोटी सी विंडो थी, उसको बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पासिस टू फ्रीडम, और चांदनी ने उसी को ही अपना रास्ता बना लिया, उस विंडो को जो खुली रह गई थी, और उस विंडो से वो जो है वो चली जाती है चांदनी वहाँ से। तो इस तरीके से अबू खान के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी जो है चांदनी नहीं मानती है और वो वहाँ से निकल जाती है। तो अगला पार्ट जो है हम यहाँ पे फिर देख रहे हैं, इसमें इसके भी की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले बात की है चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, चांदनी जो है कहाँ चली जाती है, हिल्स में चली जाती है। सी न्यू द वॉल्फ वॉज समवेयर देयर, उसको पता था हालांकि कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कौन रहता है, वॉल्फ रहता है। सी वॉज रेडी टू पुट अप ए गुड फाइट, लेकिन वो उससे लड़ने के लिए तैयार थी। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों में पहुँच जाती है। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर, उसको तो ऐसा महसूस हो रहा था है ना, सीम टू हर, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि जो पहाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं एक रो के अंदर और उसको वेलकम कर रही हैं। किसका वेलकम कर रही हैं, चांदनी का। इस तरह की इमेजिनेशन उसके मन में चल रही थी कि जैसे पहाड़ियाँ एक लाइन में एक रो में खड़ी होकर के उसका इंतजार कर रही हैं, उसको वेलकम कर रही हों। सी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से बहुत दूर चला जाता है और एक लंबे सेपरेशन के बाद, ईयर्स ऑफ सेपरेशन, काफ़ी दिनों तक दूर रहने के बाद में जब मिलता है ना, इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पे जो है चांदनी को हो रही थी पहाड़ियों में पहुँचने के बाद। वेन एवर सी वेंट द टॉल ग्रास रोज टू इम्प्रेस हर, जैसे वो जाती आगे बढ़ती तो घास जो था, ग्रास लंबा घास जो था, उसको ऐसा लग रहा था इसको गले लगा रहा है, इसको इम्प्रेस कर रहा है, किसको, चांदनी को, चांदनी को इम्प्रेस करने के लिए खड़ा हो रहा है घास, ऐसे लगता था। द फ्लावर्स ब्लूम टू अम्यूज हर, फूल खिल रहे थे और उन फूलों को देख के बड़ी अम्यूज हो रही थी वो, अम्यूज मतलब फूल उसको अम्यूज कर रहे थे, अम्यूज मतलब खुश करना, हैप्पी। एंड द विंड सेंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और वहाँ जो हवा चल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला गाना गा रही हो विंड, ऐसा लग रहा था जैसे विंड जो है कोई गाना गा रही है उसके वेलकम के लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस अबू खान कंपाउंड, और वो कहती है कि जो है कितना अजीब है, मतलब ये कितना अलग है, किससे कि कितना अजीब जो है यहाँ पे, कितना अजीब है, कितना चेंज है, कितना डिफरेंट है, किससे, अबू खान के कंपाउंड से कंपेयर कर रही है कि अबू खान के कंपाउंड में तो किस तरह की घुटन वाली जिंदगी है और यहाँ पे कितनी फ्रीडम है। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, चांदनी की जिंदगी का ये सबसे हैप्पीएस्ट डे था उसके लिए, वो सोचती कि मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट डे है अपनी लाइफ में। दैट डे सी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रेसी स्लॉप्स ऑफ द हिल्स, उस दिन जो है सी प्लेड फॉर आवर्स, बहुत घंटों तक वो खेलती रही उस ग्रेसी स्लॉप्स पे, जो हिल्स पे जो ग्रेसी स्लॉप्स जो बने हुए थे, स्लॉप्स बोलते हैं ढलान वाला जो एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं स्लॉप्स, जो जो वहाँ पे ग्रेसी स्लॉप्स था वहाँ पे वो घंटों तक वो खेलती रही। सी मेट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गॉड्स, उसको एक वाइल्ड गॉड्स का एक हर्ड, एक झुंड भी जो है उसको मिलता है, वो आस्क देयर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, और उन बकरियों ने, उन वाइल्ड गॉड्स ने उससे पूछा कि भाई, कहा उससे कि भाई तू भी हमारे साथ में ज्वाइन हो जा, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी ने बड़े पोलाइट तरीके से मना कर दिया कि नहीं, मेरे को तुम्हारे साथ में नहीं जाना। सी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ, वो अपनी नई मिली फ्रीडम को, उसको जो अभी नई फ्रीडम मिली है
अभी उसको इंजॉय करना चाहती थी और वो भी अकेले किसी के साथ वो नहीं रहना चाहती थी। द सन डिसअपीयर्ड, सन डिसअपीयर हो जाता है, सूरज छिप जाता है यानी इवनिंग का टाइम हो जाता है बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस इनवलप्ड द ग्रास, और बहुत जल्दी जो है चारों तरफ वहाँ पे क्या हो जाता है उस एरिया के अंदर डार्कनेस छा जाती है, अंधेरा छा जाता है, इनवलप्ड द ग्रास, घास को इनवलप कर लेना का मतलब यहाँ पे इवनिंग टाइम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, है ना, सब कुछ अंधेरे में ढक जाते हैं, ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज, एवरीथिंग। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा भी चलना बंद हो जाती है, ऐसा होता है इवनिंग टाइम के बाद फिर हवा चलना बंद हो जाती है, कम चलती है। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, वहाँ पे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक आवाज़ की, एक स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब सी जो है आवाज़ वहाँ से आ रही थी, और वो कहाँ से आ रही थी, झाड़ियों से, बुशेज ना, झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ के अलावा वहाँ पे बिल्कुल लोनलीनेस, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल शांति वहाँ पे बनी हुई थी, एक आवाज़ ज़रूर आ रही थी झाड़ियों की तरफ से, आप समझ सकते हो आवाज़ किसकी है। द साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट, है ना, जैसे घुर्राने की सी आवाज़ थी वो। वॉट वॉज इट, आखिर ये क्या था, इट वॉज नॉट अबू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, पहले तो वो दिमाग लगाती है अपना कि हो सकता है अबू खान की आवाज़ तो है नहीं ये कि उसको लेने के लिए आ रहे हो अबू खान, या अबू खान वहाँ से आवाज़ लगा रहे हो अपने कंपाउंड से, तो वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है और वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि अबू खान की आवाज़ तो ये नहीं है। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड, किसी दूसरी बकरी की भी आवाज़ नहीं है। द चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वॉल्व हू लिव्ड इन द हिल्स, चांदनी को उस वॉल्व का ख्याल आया, उस डेंजरस वॉल्व का, उस खतरनाक वॉल्व का जो कि हिल्स के अंदर रहता था। सी फेल्ड स्कियर्ड, डर गई वो, है ना, डर जाती है चांदनी इस तरीके से वहाँ पे पहुँचने के बाद में, वो डर जाती है। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान सर, वो सोचती है क्या उसको वापस चला जाना चाहिए अबू खान की झोपड़ी के अंदर अपने आप को बचाने के लिए। नो सी सेड टू हरसेल्फ, लेकिन वो अपने आप से बोलती नहीं वो ऐसा नहीं करेगी। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, है ना, क्या कोटेशन यहाँ पे यूज़ करती है वो, देखिए कि जो है ओपन फील्ड के अंदर मरना एक झोपड़ी के अंदर जीने से बेहतर है, ठीक है, यानी घुट घुट के मरने से, घुट घुट के जीने से बेहतर है कि हम जो है फ्रीडम के अंदर जो है मर जाएं, तो क्योंकि उसको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उस हट के अंदर नहीं रहना चाहती। द वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, वो भेड़िया जो वॉल्फ जो था वो बुशेस से निकल के बाहर आता है। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी, और चांदनी की तरफ वो देख रहा था ग्रेडीली, बड़ी लालच भरी नज़रों से। हिज आईज वर शाइनिंग, उसकी आँखें चमक रही थी लाइक बर्निंग कॉल्स इन द डार्कनेस, वो क्योंकि अंधेरा हो रहा था और उसकी आँखें ऐसे चमक रही थी जैसे जलते हुए कोयले हों, है ना, कॉल्स। ही सीम्ड इन टू हर इन नो हरी, है ना, उसको कोई जल्दी भी नहीं थी, किसको नहीं थी जल्दी, उस बॉल्ब को। ही न्यू द न्यू गॉड वॉज हिज, उसको पता था कि जो नई बकरी है, नई बकरी कौन है, चांदनी, वो उसी का शिकार बनने वाली है, उसको पता था इसलिए उसको ज़्यादा जल्दी नहीं थी। द वॉल्फ एंड द गॉड साइज अप ईच अदर, अब वो वॉल्फ आ जाता है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, एक दूसरे का साइज अप करते हैं। द वॉल्फ वॉज बिग एंड फेरोसियस, वेयर इज द गॉड दो हेल्दी वॉज स्मॉल, जो वॉल्फ था वो बड़ा था, फेरोसियस खतरनाक था, वेयर इज द गॉड, जो बकरी थी दो हेल्दी, हालांकि बकरी हेल्दी थी बट छोटी थी, बट स्मॉल इन इज नॉट बिग, लेकिन ऐसा भी नहीं, वो चांदनी का ख्याल आते इस तरह के ना उसके विचार हैं कि ऐसा नहीं कि कोई छोटा होता है तो वो कमज़ोर भी होता है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी मजबूती के साथ जो है अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। हेड स्लाइटली बेंड एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, हेड स्लाइटली बेंड, सर को नीचा कर लेती है, एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, उसकी तरफ सींग कर देती है, किसकी तरफ, वॉल्व की तरफ। सी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज, वास्तव में वो जो पिक्चर है वो देखने लायक पिक्चर थी, करेज, करेज को शो करने वाली पिक्चर थी वो। सी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रेचरस एनिमी, कैसे दिख रही थी वो चांदनी, एक बहादुर सैनिक की तरह जो कि दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो, खतरनाक जो दुश्मन होता है हमारा उससे लड़ने के लिए तैयार हो, इस तरह से अलग रही थी चांदनी वहाँ पर। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, और वो ये डिसाइड करती कि मुझे इससे अच्छी तरह से लड़ना होगा, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलर इज़ ए मैटर ऑफ लक और चांस, क्या कहती है वो अपने आप से कि सफलता और असफलता है ना ये सब लक पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसा सोच करके उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हो जाती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और ये पूरी रात चलती है लड़ाई, किस किस के बीच में चलती है, वॉल्व के बीच में और चांदनी के बीच में। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चंद्रमा जो कि गवाह बना हुआ था, है ना, किस चीज़ का गवाह बना हुआ था, देख रहा था चंद्रमा
सारी इस लड़ाई को, किस किस की लड़ाई को, वॉल्व की और गॉड की लड़ाई को, बिगेन टू ग्रो पैल, है ना, वो भी जो है पीला पड़ने लग जाता है. एंड एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और बादलों के पीछे छुप जाता है चंद्रमा. द स्टार ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाई वन, तारे भी जो है धीरे धीरे एक एक करके जो है गायब होने लग जाते हैं, मतलब दिन निकल रहा है अब, है ना. ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, ईस्ट साइड में एक हल्की सी जो है रोशनी दिखाई देती है, यानी सूरज निकलने की रोशनी. एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम डिस्टेंस मॉस्क, मस्जिद में जो है मस्जिद से एक आवाज़ आती है, है ना, कॉल फॉर प्रेयर, अजान जिसको बोलते हैं हम, तो अजान की आवाज़ आती है पास जो है वहाँ पे, दूर एक मस्जिद थी वहाँ पे उस पहाड़ी के दूर, तो वहाँ से आवाज़ आती है जो क्या संकेत करती है, वो संकेत करती है कि भाई सुबह हो गई, दिन निकल आया अब, है ना. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो पहली जो किरण थी, पहली जो किरणें थी सूरज की निकलने वाली, वो दिखती हैं चांदनी को, चांदनी ग्राउंड पे पड़ी हुई है. सी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड, पूरी तरह से सॉक्ड माने भीगी हुई है, किसे भीगी हुई है, ब्लड में. द वॉल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो वॉल्फ था वो भी थक गया है और उसको भी बिल्कुल जैसे नींद आ रही हो ऐसा लग रहा है. वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, डिवोर मतलब ईट, डिवोर मतलब यहाँ पे ईट से, और वो भी बिल्कुल तैयार है, किसको खाने के लिए तैयार है, चांदनी को खाने के लिए, क्योंकि उसने उसको तो मार दिया. एन असेंबली ऑफ वर्ड्स पर्स ऑन टॉप ऑफ ए ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द फाइट, है ना. एक असेंबली ऑफ वर्ड्स, यानी पक्षी बैठे हुए बहुत सारे, पर्स पर्स मतलब सिट, कहाँ बैठे हुए, एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, पास में जो एक पेड़ है वहाँ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, वो आपस में डिबेट कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, कि आखिर में इस फाइट का रिजल्ट क्या है, कौन जीता कौन हारा, तो कौन डिसाइड करेगा, ये पक्षी डिसाइड कर रहे हैं, वो आपस में बहस करने में लगे हुए हैं कि कौन जीता है और कौन हारा है. हु इज़ द विनर, विनर कौन है, वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक पक्षी ने पूछा. द वॉल्फ ऑफ कोर्स, के जवाब आया, वास्तव में कौन है विनर, वॉल्फ है. मोस्ट ऑफ देम सेड, ज़्यादातर ने कहा भाई विनर तो कौन है, वॉल्फ ही है, क्योंकि उसने किसको मार दिया, चांदनी को मार दिया. ए वाइज ओल्ड वर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, लेकिन एक वाइज ओल्ड वर्ड, एक बहुत बुद्धिमान और बुजुर्ग जो पक्षी था, ज़्यादा उम्र दराज हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस जो वर्ड था उनके अंदर, उसने क्लेम किया, उसने दावा किया, क्या दावा किया, कॉन्फिडेंस के साथ क्या दावा किया उसने, चांदनी इज द विनर. क्या कहा उसने, विनर वॉल्फ नहीं है बल्कि विनर कौन है, चांदनी है. तो ऐसा उसने क्यों कहा, चांदनी के कॉन्फिडेंस को देख के, उसकी स्ट्रगल को देख करके, किस तरीके से उसने फाइट की, है ना, साइज में उससे छोटे होते हुए भी. तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीट हुआ. क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस की जाएंगी. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.